नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। कोरोना केस में कमी के साथ थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में 3700 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। इससे पहले देश में पिछले 4 दिन से हर रोज 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे थे और 4000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही थी। कुछ राज्यों में मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। कोविड से मरने वालों की संख्या 2,46,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,53,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। देश में अब तक 1,86,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से को मात दे चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 13,336 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 273 मरीजों की जान चली गई। सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,000 के पार। दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण की दर दिल्ली में 35% तक बढ़ गई थी, इस कारण हमने मजबूरी में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बार दिल्ली में मेट्रो सेवा को भी बंद किया गया। कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए हैं। पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक लागू किया गया। इससे पहले यूपी में 10 मई को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की सूचना दी। कोरोना वायरस के साथ साथ अब देश में ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ने लगा है। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई। कोरोना की वजह से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और देर से इलाज मिलने से मरीज की मौत भी हो सकती है। सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया ताकि समय रहते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना से जंग जीतने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1,000 वेंटिलेटर की एक खेप भारत आई। हर जनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, जो एक समय में 50 लोगों का इलाज करने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले यूके की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। दक्षिण कोरिया से भारत पहली बार मदद आई है। दक्षिण कोरिया से भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और कई मेडिकल उपकरण आए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करीब 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 151 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली से सटे जिले एक बार फिर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम में फिर 2800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रभावित जिलों में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है, जहां पर 1900 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूर्ण रोक है। सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति है। बारात निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में 17 मई तक के लिए सुरक्षित हरियाणा अभियान की घोषणा की गई है। इस दौरान कोरोना के प्रसार पर काबू पाने के लिए कठोर कदमों का पालन करवाया जाएगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होम आइसोलेट लोगों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से आ रहे मरीजों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोविड समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी के लिए राहत की बात है कि रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा 5 से बढ़कर 8 मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिससे अब निजी अस्पतालों की ऑक्सीजन की कमी की शिकायत दूर हो सकेगी। मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने वाले निजी अस्पतालों के संचालकों को दो टूक चेतावनी देते हुए बनवारी लाल ने कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी के एक स्कूल में 150 बेड तो धारूहेड़ा में 100 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। रेमडेसिविर के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, जरूरतमंदों को इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला उपायुक्त और सीएमओ का कहना है कि जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और होम आइसोलेट मरीजों को रेडक्रॉस और एनजीओ के जरिए घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाएंगे, जिसके लिए पोर्टल पर रिक्वेस्ट डाली होगी। कोरोना संकट की घड़ी में एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी वीके अध्यक्ष विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार अम्बाला शहर में अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रही हैं। विनोद शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का काम जोरों शोरों से जारी है। अम्बाला शहर के सेक्टर 9 और बाबा विहार में पिछले दो दिनों से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। विनोद शर्मा द्वारा एक्शन टीम भी बनाई गई है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद कर रही है। शहर में सैनिटाइजेशन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का लोगों ने धन्यवाद किया। सरकार ने अब 18 साल से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। करनाल में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर बुजुर्ग वैक्सीन का टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दे रहे हैं और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। करनाल में 5000 होम आइसोलेट कोरोना मरीजों की देखभाल और परामर्श अब MBBS के छात्र कर रहे हैं। सभी मरीज को मोबाइल नंबर दिया गया है, जो भी सलाह इन डॉक्टरों से कोई मरीज लेना चाहेगा वो ले सकते हैं। दवाइयों की जानकारी भी छात्र डॉक्टर से ले सकते हैं। डीसी निशांत यादव ने बताया कि 200 छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है। सभी जानकारियां भी दी गई हैं कि मरीज इन डॉक्टर से परामर्श फोन पर ले सकता है। मरीजों को एक किट भी दी जा रही है। फरीदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे। डीसीपी ने बताया कि आरोपी अस्पताल में आए मरीजों के परिजनों से इंजेक्शन मंगवाते थे और तब मरीज वहां से छुट्टी करके चला जाता था, तो बचे हुए इंजेक्शन को 30,000 में बेचकर कालाबाजारी करते थे। CIA की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा है और इनसे 16 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। रेवाड़ी में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। गांव फिदेड़ी में बनी कोविड जेल की दीवार फाड़कर 13 कैदी फरार हो गए। ये कैदी हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधियों में लिप्त थे। अम्बाला में विधायक असीम गोयल को फिर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैतपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए विधायक असीम गोयल का किसानों ने विरोध किया। विधायक के विरोध में किसानों ने वापस जाओ के नारे लगाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान JJP और BJP नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोविड मरीजों की मदद के लिए भिवानी प्रशासन ने पहल की और कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्प डेस्क बनाया ताकि लोग अपनी समस्याएं बता सके।
इसके लिए 3 नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अब तक 39 लोग कॉल करके अपनी परेशानी बता चुके हैं। फोन आने पर रजिस्टर में समस्याएं दर्ज की जाती हैं और फिर पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की जानकारी दी जाती है, शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाता है और हर स्टेप को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जिला राजस्व अधिकारी को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब तक आपको बता दें कि मिली शिकायतों में ज्यादातर ऑक्सीजन और बेड की कमी, अस्पताल में ज्यादा राशि वसूलने की है। भिवानी में लॉकडाउन लगने के साथ ही ऑटो चालकों का काम धंधा चौपट हो गया है। ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। रेवाड़ी में कुछ घंटों के लिए सब्जी मंडी खुलने से किसानों को सब्जियों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। किसानों ने सब्जी मंडी खोलने की समय सीमा में बढ़ोतरी की मांग की है। किसान की माने तो मेहनत के बाद उनका टमाटर मात्र 2 रुपए किलो खरीदा जाता है, जो बाजार में 15 से 20 रुपए प्रति किलो ग्राहकों को मिलता है। किसानों का कहना है कि टमाटर उगाने के लिए 1 एकड़ पर 1 लाख का खर्च आता है, जिसका इन्हें 50% भी नहीं मिल पा रहा। यही हाल तरबूज का भी है। चरखी दादरी पुलिस को 6 और इनोवा गाड़ियों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहुंचकर इन इनोवा गाड़ियों का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग को मिली इन 9 इनोवा गाड़ियों को इमरजेंसी में कोविड-19 मरीजों की सहायता के लिए एम्बुलेंस के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। उस आपदा के उक्त सभी गाड़ियों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कर्मचारियों को इन वाहनों को चलाते समय कोविड-19 के बचाव के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। चालक पुलिस कर्मियों को महामारी के दौरान किसी भी जोखिम से बचने के लिए आगे की सीट और पीछे की सीट के बीच एक पारदर्शी विभाजन बनाया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एसीपी बल्लभगढ़ ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया। एसीपी महेंद्र सिंह ने मौके पर खुली मिली दुकानों के संचालकों और बिना काम के घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। एसीपी के मुताबिक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही बिना काम घर से ही निकलने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा के बाद झज्जर में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू किया। 50 बेड वाले अस्पतालों में 500 मिलीलीटर प्रति मिनट उत्पादन के 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्रदेश भर में लगाने हैं, जिनमें झज्जर, रतिया, बल्लभगढ़, पटौदी, सोहना, हांसी, होडल, समालखा, कलायत, गुलाहा के पीएसी शामिल है। 500 लीटर के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि डीआरडीओ द्वारा 100 बेड वाले अस्पताल में लगाए जाने हैं, जिनमें नारायणगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, मारकंडा, जगाधरी, रोहतक, नारनौल, मांडीखेड़ा शामिल है। वहीं 200 बेड वाले 16 अस्पतालों में 1000 लीटर उत्पादन व क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे, जो कि अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैंथल, जिंद, यमुनानगर, सिरसा और पंचकूला के सरकारी अस्पताल शामिल हैं। गुरुग्राम में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिले में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई पास से घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी 17 मई तक जिले में लॉकडाउन लागू है और जिला प्रशासन की ओर से जिला वासियों को केवल आवश्यक कार्य हेतु ही ई पास के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके से परेशानी न हो, उसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किए जा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान गुरुग्राम पुलिस द्वारा शुक्रवार तक लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया है। गांवों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भिवानी में पुलिस सख्त हो गई है। गांवों में नाकाबंदी की गई है। खरक, कलिंगा, सीपर, देवसर और बड़वा गांव में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है।
एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लोगों से अपील की है कि वे लोग बेवजह घर से बाहर न निकलें। पानीपत के अंसल सोसाइटी में डॉक्टर पति के कोरोना पीड़ित होने पर डॉक्टर पत्नी ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर धारा 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है, अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं, इसलिए हमें 3 करोड़ की खुराक चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीने के लिए हमें 80 से 85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली को टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के लिए आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट के आदेश पर कहा गया है कि टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से सलाह और मशवरा के लिए स्वतंत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स के 12 सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। अम्बाला में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल में पीजीआई रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और कहा कि एम्बुलेंस चालक की ऑक्सीजन बलदेव नगर जाकर खत्म हो गई, जिसके चलते मरीज की मौत हुई। आरोप है कि एम्बुलेंस चालक ने पहले तो 4,000 रुपये मांगे थे, बाद में 2,500 रुपये में ले जाने को तैयार हुआ। उसने कहा था कि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन बलदेव नगर के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया। अस्पताल में परिजनों हंगामा करने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भिवानी में सीआईए की टीम ने न्यूजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। स्टोर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपये बेचे जा रहे थे। टीम को मौके पर 2 इंजेक्शन भी मिले हैं। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाकर कार्रवाई की गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल, बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल सहित कोविड सेंटरों में सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल सरकार की जारी रेट लिस्ट अपने अस्पताल के बाहर चस्पा करें। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 के सामुदायिक भवन में बनाए गए कोविड सेंटर पहुंचकर डॉक्टरों से जानकारी भी ली। नौ जिले के 3 ड्राइवर ईद मनाने के लिए कानपुर से अपने गांव जा रहे थे। जैसे ही वो कंटेनर पर सवार होकर निकले तो आमने सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर अपना दम तोड़ दिया। एक की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल दाम ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल में प्रति लीटर 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो डीजल के दाम में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दाम बढ़ाने के बाद दिल्ली में बाजार में पेट्रोल 91 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 82 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया। एक दिन पहले संयुक्त टीम ने डोडा जिले के चरकंडी गांव के इलाके में 40 किलोग्राम विस्फोटक, 4 इलेक्ट्रिक डोनेटर समेत लोहे के हथियार बरामद किए थे। चीन का अनियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी को नुकसान पहुंचा हिंद महासागर के मालदीव्स के पास गिर गया। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी।